तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीनिक व्यू शुरू हो चुके भाई। फिलहाल मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो बाईपास है वो कहाँ पे कनेक्ट करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। बट तो जी फिलहाल गाड़ी यहाँ पर रोक दिया और वो सामने आपको दिख रहा है, वो देखिए जी, वो है अर्धकुंवारी जी। और अभी काफी लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना है, ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस। भाई आप देख सकते हो सभी यात्रीगण ना अभी ज्यादातर ना बाहर चले गए हैं। सो जी अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, फिलहाल फ्रेशन अप होके हाँ जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आज हम कर रहे हैं अपना रोड ट्रिप फ्रॉम जम्मू टू पहलगाम। और अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो आपका भी ये रोड ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी, क्योंकि जम्मू में ही आपका स्टे होने वाला है और वहां से फिर आप निकलेंगे नेक्स्ट डे पहलगाम के लिए। गाड़ी में हमने अपना पास लगवा लिया है जो सिक्योरिटी पास है। सो देख सकते हैं जी इस तरफ ये लगा हुआ है और ये अपने को कठुआ से ही मिला है, यहाँ पर हमने ये गाड़ी पे लगवा लिया है और अब सीधा हम चल रहे हैं आगे पहलगाम के लिए। सो जी गाइस यहाँ से हम निकल चुके हैं और स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से पहलगाम दिखा रहा है 231 किलोमीटर और ईटीए की बात करूं तो 6 घंटे 14 मिनट का ईटीए। तो गाइज अगर आप भी जम्मू से पहलगाम जा रहे हैं तो यही दूरी आपको भी मिलने वाली है, क्योंकि रूट सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, रूट ऑप्शन। और इस जर्नी के अंदर हम यहाँ से निकलकर उधमपुर, फिर कटरा और उसी के बाद आगे रामबन होते हुए पहुँचेंगे पहलगाम की तरफ। सो गाइज ये वाले रोड ट्रिप इंफॉर्मेटिव के साथ साथ काफी सीनिक भी होने वाला है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन भी काफी सारी आपको मिलने वाली है। जैसा कि मेरे साथ में आप देख सकते हैं महाजन भवन, ये आपको जम्मू से पहलगाम के रास्ते में देखने को मिलेगा और ये उन्हीं में से एक भवन है जहां पर आकर आप अपना ऑन स्पॉट मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीनिक व्यू शुरू हो चुके हैं पहलगाम के रास्ते पर और ये तो अभी जस्ट ट्रेलर है भाई, ये तो स्टार्टिंग है। आगे आगे देखिए पहलगाम तक पहुंचने का रास्ता कितना खूबसूरत होता जाता है। सो इसी के साथ जी एक बारी जयकारा जरूर लगा दीजिए, जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। सो जी फिलहाल अब यहाँ पर ये माउंटेनियस एक्सपीरियंस वाला ये रोड जो है यहाँ एंड होकर नॉर्मल इस पे मिलेगा अब आगे। और आप देख सकते हैं कटरा यहाँ से 37 दिखा रहा था भाई और अब यहाँ से 35 दिखा रहा है तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है जी, अप डाउन। बाकी उधमपुर 60 दिखा रहा है, तो चलते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, जब आप डायरेक्ट जम्मू से बाईपास लेते हैं तो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर कनेक्ट करता है डायरेक्टली। तो जी फिलहाल देख सकते हो आईआईटी जम्मू ये वाला कैंपस आ चुका है जो कि रास्ते में ही पड़ता है, ये राजी आईआईटी जम्मू। और अब इसके बाद आगे आएगा आईआईएम, वो राजी सामने अगर आपको दिख रहा हो वो। भाई फिलहाल मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो बाईपास है वो कहाँ पे कनेक्ट करता है मैं आपको दिखाऊंगा, बट हम लोग जो है ना डायरेक्टली फ्लाईओवर से आ गए, तो वो जो बाईपास कनेक्ट करता है वो राइट साइड से कनेक्ट करता था तो वो मैं आपको ना दिखाई नहीं पाया। बट ये जो रोड जिस पे हम अभी चल रहे हैं यही आगे जाके लेफ्ट में मुड़ेगा और वो सीधा बाईपास पे कनेक्ट हो जाएगा। सो जी पहुंच चुके हैं आईआईएम जम्मू, ये देखो जी क्या ही तगड़ा कैंपस है, एकदम बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया नज़ारे होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो जी क्या लंबी लॉन्ग एकदम दूर तक विजिबिलिटी है, जबरदस्त भाई। ये देखो जी इतनी तगड़ी विजिबिलिटी, जनरली जब आप बेंगलोर मुंबई वाला रोड ट्रिप करते ना तब ज्यादा आपको देखने को मिलती है, फिलहाल अभी यहाँ भी मिल रही है, मजा आ रहा है भाई। सो जी फिलहाल अभी आगे ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया फूड पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल यहीं है, इस कैंपस के पास है। और वैष्णो देवी जी अगर आप आ रहे हैं तो कटरा से जस्ट पहले है,
और देखो प्रमोशन कुछ भी नहीं है, बट जो भी अच्छी चीज़ लगे ना उसको बता देना चाहिए कि क्या है कि आप भी YouTube फैमिली हो मेरी, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा। और आप लोग भी इस रूट पे आओगे तो डेफिनेटली जब भी चेकआउट करो उस होटल पे ज़रूर एक बार, हो सके तो ब्रेकफास्ट डिनर लंच कुछ भी करना, और ज़रूर मुझे बताना कैसा लगा। सो जी जैसे जैसे इस रास्ते पे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी जी के भजन ऑलरेडी माइंड में याद आते जा रहे हैं और मैं उन्हें ही गुनगुनाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि कटरा के पास जैसे जैसे आप पहुँचते हैं तो माता रानी के भजन आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं। चलो बुलावा आया है। सो जी देख सकते हो क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, पहाड़ों के जस्ट बीच में करवी सा फ्लाईओवर, ये देखो जी बढ़िया, जिधर नज़र जाएगी ना भाई उतना खूबसूरत। इधर देखो लेफ्ट में बढ़िया, उधर देखो राइट में और भी बढ़िया, जबरदस्त भाई। सो जी अपनी ट्रिप का फर्स्ट टोल आता हुआ सामने, अब आई थिंक इधर ही लेने में फायदा है, एक ही गाड़ी है और इससे पहले भी जो गाड़ी थी वो मूव हुई है तो बढ़िया मूवमेंट है, इधर ही ले लेते हैं। सो इसी के साथ जी फर्स्ट टनल आती हुई, ये वाला टोल क्रॉस करने के बाद अब ये 4 से 5 टनल्स आएंगी भाई, जबरदस्त भाई बहुत ही बढ़िया, जय माता दी। सो जी देख सकते हो T3 टनल नंबर 3। सो जी फिलहाल लगा हुआ है भाई ट्रैफिक जैम और अब गाड़ी में इस तरीके से लेट जाते हैं भाई, देखो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना तो बंदा फिर ऐसे ही रिलैक्स करता है, क्या करे। अभी दिखा दो कितना लंबा जाम है। सो भाई ये देखो, देख रहे हो, और अब इसमें कहीं भी किसी भी लाइन से कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो दूसरी लाइन वाले को लगता है मैं भी इधर ले लेता हूँ। सो जी ये आप देख सकते हैं बरिस्टा, ये रहा हवेली, ये है जी बढ़िया से बढ़िया जो फूड पॉइंट यहाँ पर है कटरा से जस्ट पहले। तो जी चलते हैं आगे, ये देखिए जी एक और है मिकाजे फैमिली रेस्टोरेंट, तो ये सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलने वाले हैं बढ़िया एकदम। और अब आगे आएगा वो कट जहाँ से आप जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। सो जी देख सकते हैं ये रहा वो कट कटरा, तो यहाँ से आपको मुड़ना होता है श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए, और इसी से आगे अगर आप जाते हैं तो आप पहुँचते हैं जी श्रीनगर और उधमपुर, ये देखिए जी। फिलहाल ना आगे जब उधर की तरफ पहुँचेंगे ना तो वहाँ से कोशिश करूँगा आपको एक बारी त्रिकुटा पर्वत की हल्की सी झलक दिखाने की कोशिश करूँगा, खुद भी दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो जी फिलहाल गाड़ी यहाँ पर रोक दिया और वो सामने आपको दिख रहा है वो देखिए जी वो है अर्धकुंवारी जी, तो सामने वो आपके त्रिकुटा पर्वत है जी और वो ऊपर की तरफ वहाँ पर है जी सांझी छत। तो जी सामने ही त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करते हुए अब आगे बढ़ेंगे, खुद भी कर रहे हैं आपको भी करा रहे हैं जी, एक बड़ी जयकारा लगा दीजिए, जय करा शेरा वालिदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जी बिल्कुल आपके सामने है त्रिकुटा पर्वत और श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके जब वापस आएंगे तो फिर माता रानी ने बुलावा भेजा तो ज़रूर जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ये देखो जी फिलहाल आपके सामने श्री माता रानी का त्रिकुटा पर्वत। सो गाइस एक बारी और थोड़ा क्लियर व्यू यहाँ पर मिलता हुआ तो मैंने कहा फिर से आपको दर्शन करा दूं। सामने है जी श्री अर्धकुंवारी जी और वो ऊपर जो आपको दिख रहा है जी ऊपर, ये देखो जी सामने है जी अर्धकुंवारी जी और वो ऊपर की साइड जो आपको दिख रहा है जी वो है सांझी छत। तो जी फिलहाल अगर इस हाईवे की बात करूं तो ये है NH 244A और ये बोला जाता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे, तो आप भी अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही ब्यूटीफुल रोड्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। सो जी देख सकते हो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं उधमपुर,
और ये कुछ ऐसा न्यूरो सेंटर यहाँ पर पड़ता है। बाकी अभी एक पीछे की साइड होर्डिंग गया था, वो थोड़ा सा हमने मतलब क्रॉस कर दिया, उस समय तक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। तो जी जब आप जम्मू से पहलगांव के रास्ते पे आते हैं और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो ये देख सकते हैं जी, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आने का रास्ता अलग कर दिया गया है और जाने का रास्ता अलग, काफ़ी टाइम से ये बनाया जा रहा था, फिलहाल ये अभी बन गया है और ये बन गया है आई थिंक रामबन तक ये बन चुका है। और ये देखिए जी, आने का रास्ता एकदम अलग है, जाने का रास्ता एकदम अलग है। ये देखो जी, फिलहाल अभी इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल के पास हम पहुँचने वाले हैं जो कि है चिनानी टनल, और वहां पहुंच के आपको अपडेट देंगे जी और टनल भी क्रॉस करेंगे जी। सो गाइस, ये जा रहा रास्ता सीधा टनल के लिए, और जो उधर की तरफ रास्ता जा रहा था जहां हमने टर्न नहीं लिया, वो जा रहा था पटनी टॉप के लिए। इस रास्ते से हम जाएंगे चिनानी टनल की तरफ। सो जी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर टोल कटेगा और उसके बाद आगे जाएंगे। फिलहाल जी एंटर कर रहे हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल के अंदर, चिनानी नाशरी टनल वे, लेट्स गो। सो भाई अभी तो चल ही रही है यार, आप देख सकते हो 9-9.5 किलोमीटर समथिंग की बताते हैं ये पूरी टनल, और अभी काफी लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना है। ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, आधा और बाकी है, तो जल्दी से इसे कवर करते हैं, बाहर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं बाहर, और भाई टनल में चलते चलते ऐसी फील आती है कि कहीं हम डायरेक्ट कश्मीर तो नहीं पहुंच जाएंगे इस टनल से ही। फिलहाल ये है जी छोटा सा डायवर्जन, क्योंकि ये वाली टनल ना अभी बन रही है, अभी ओपन नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पर सेम रोड पे आना पड़ रहा है जाने वालों को भी और आने वालों को भी। वो देखो जी सामने वाली जो टनल है उसके साथ शायद ये कनेक्ट होगी, या फिर ये अलग से इधर हो जाएगी और वो आने वालों के लिए हो जाएगी, तो ये अभी जाने वाले साइड की टनल अभी ओपन नहीं हुई है। सो जी फिलहाल यहाँ पर बलिहार प्रोजेक्ट जो है ना, उसके रास्ते पे यहाँ पे अभी थोड़ा चेकिंग के लिए रोक रहे हैं। सो जी फिलहाल रूट डाइवर्ट करके इधर की साइड से निकाला जा रहा है फॉर पहलगांव, और देख सकते हो जी नीचे चिनाब रिवर, वो देखो जी। सो जी फिलहाल बलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास गाड़ियां सारी रुक गई हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। और अब सुबेरे 4 बजे ही आगे छोड़ा जाएगा, 1:30 बजे के बाद गाड़ी आगे जानी नहीं देते, स्टॉप्स पे रोकना पड़ता है, और 3 बजे के बाद तो बिल्कुल ही आगे नहीं जाने देंगे। अगर हम किसी तरह श्रीनगर वगैरह कुछ भी बोल के आगे निकल भी जाते तो आगे फिर वो बनिहाल पे हमें रोक देते, नहीं तो रामबन पे तो बिल्कुल रोकना ही था। तो अभी फिलहाल बात यह है कि हम पहलगांव जा ही नहीं सकते आज की डेट में, अब कल ही अपने को जाने को मिलेगा पहलगांव। तो जी सुबेरे 4 बजे यहाँ से पूरा कॉन्वॉय निकलेगा पहलगांव के लिए, फिलहाल के लिए अभी गाड़ियां यहां पर रुक गई हैं, और चलते हैं यात्री निवास में ठहरते हैं, खाने पीने की सारी सुविधा यहां पर है, तो चलते हैं और आपको आगे अपडेट देते हैं। सो जी आप देख सकते हो गाड़ियों की लाइन है, ये अपनी गाड़ी है और ये पीछे और गाड़ियां लगती हुई, और ये कुछ ऐसी जगह है। सो जी अगर आप टैक्सी वगैरह से भी आ रहे हो ना, तो इस चीज के ऊपर बहुत सतर्क रहना, 1:30 बजे के बाद आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, और फिर बीच में आपको रुकना पड़ेगा। तो आप टाइम से निकलिए, अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे के आसपास आप जम्मू से पहलगांव के लिए निकलिए, तभी आप पहुंच पाएंगे पहलगांव सिंगल डे में। तो जी फिलहाल चल रहे हैं बालीगढ़ प्रोजेक्ट पर जो यात्री निवास है वहां पर, और वहीं पर स्टे वगैरह लेते हैं और फिर आपको भी अपडेट करते हैं। तो जी फिलहाल हम हैं यहाँ पर यात्री निवास चंद्रकोटे रामबन, अब चलते हैं। सो जी फिलहाल आप देख सकते हो वहां सामने से अपने को नीचे उतर के जाना है। बम बम बोले। सो जी देख सकते हो स्थान है जी चंद्रकोट रामबन जम्मू कश्मीर, विशाल भंडारा भी है जी नीचे,
यात्रियों की सुविधाओं के लिए। सो जी आप सामने देख सकते हैं यात्री निवास चंद्रकोट का, जहाँ पे आपको रोका जाता है जी। ये सबसे पहला पड़ाव है जहाँ पे आपको रोका जाता है पहलगाम जाते समय जम्मू से। सो गाइज आप देख सकते हैं फिलहाल रजिस्ट्रेशन करा लिया है चंद्रकोट में, और अब अपने को ये अलॉट हो चुका है, अब चल रहे हैं बेड पे। सो जी फिलहाल सेकंड फ्लोर पे जाना है अपने को, देख सकते हो जी हॉल नंबर 2 में अपने को 234-35, ये देखो जी सेकंड फ्लोर। सो भाई कुछ इस तरीके से डोरमेट्रीज हैं, देख सकते हो जी। सो जी ये है वॉशरूम का एरिया, देख सकते हो जी डोरमेट्री के साथ ये कुछ वॉश बेसिन वगैरह है। ये आपका भाई है, और जी सामने आप देख ही सकते हैं बढ़िया भंडारा चलता हुआ, हर हर महादेव। लाल देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर है, 2 नंबर है, इस तरीके से कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। सो जी थोड़ी सी कमर सीधी करने के बाद आँख थोड़ी सी खुल गई है, और अभी आपको दिखाता हूँ अंदर का क्या ही नज़ारा है। भाई आप देख सकते हो सभी यात्रीगण ना अभी ज़्यादातर ना बाहर चले गए हैं थोड़ा सा टहलने, क्योंकि शाम का समय लाइट वगैरह जल गई है। और इधर से कुछ ऐसा व्यू है आप देख सकते हैं जी डोरमेट्री से व्यू, ये देखो जी। सो थोड़ी देर में हम भी बाहर चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं जी शाम को कैसा नज़ारा है यहाँ पर चंद्रकोट पे। सो जी फिलहाल शाम हो चुकी है जी, नीचे आ चुके हैं आप देख सकते हो, मौसम अब जी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब चलते हैं आगे भंडारे की तरफ। सो जी देख सकते हो ये है शाम का नज़ारा चंद्रकोट यात्री निवास से, वहाँ पर सामने श्रद्धालु नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं जी, और बढ़िया माहौल जी, और शाम को यहाँ मौसम हो जाता है जी ठंडा। सो जी ये दूसरा पोर्शन है जी, यहाँ पर भी लंगर चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था, फिलहाल मैंने अभी देखा है, और यहाँ पर कुछ अलग आइटम दिख रहे हैं जलेबी वगैरह, ये देखो जी, तो चलते हैं जी। सो गाइस ये अपने को फरीदाबाद हरियाणा वालों का यहाँ पर लंगर मिल गया है इसी में ही, ये देखो जी बढ़िया जी। सो जी चंद्रकोट यात्री निवास पर भी RFID कार्ड और EKYC हो रही है, देख सकते हो जी, ये देखो जी, तो आप भी करा सकते हैं अगर नहीं कराई तो। सो जी अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, फिलहाल फ्रेशन अप होके यहाँ पहुँच चुके हैं देख सकते हो जी, और अब निकल रहे हैं क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर कि अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। सो जी देख सकते हो बिल्कुल सुबह सुबह का यहाँ का ताज़ा नज़ारा, फटाफट चल रहे हैं आगे अपनी गाड़ी की तरफ। सुबह सुबह यहाँ पर चल रहा है नाश्ता वगैरह, देख सकते हो जी। सो जी फिलहाल पहुँच चुके हैं भाई गाड़ियों के पास, और आप देख सकते हो जी कहाँ तक लाइन है, वो देख रहे हो वहाँ तक लाइन है पूरी, कम से कम 100-150 नहीं और भी ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही हैं। और आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, ये देखो जी सामने से सारे यात्रीगण आ रहे हैं, अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे। सो गाइस देख सकते हो जी ये पूरा कॉन्वॉय रेडी खड़ा है, और अब एक साथ ही गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी जी। बोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। सो गाइस निकल चुके हैं फिलहाल कॉन्वॉय के संग, अभी दिखाता हूँ आपको बम बम भोले। देखो जी कॉन्वॉय चल पड़ा है अपना, अभी 4:24 हो रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग ही कॉन्वॉय निकल चुका है, अब देखते हैं आगे कहाँ रुकता है, कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको अपडेट करते हैं ब्लॉग में। सो जी आप देख सकते हो भाई बिल्कुल जबरदस्त अंधेरा, यार कॉन्वॉय तो चलाता है इतना सारा, पता नहीं कॉन्वॉय तो दिख ही नहीं रहा भाई कहाँ चला गया, फिलहाल मैं ही दिख रहा हूँ आगे, और मेरे आगे कोई नहीं है, हाँ पीछे जरूर गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे नहीं दिख रही मेरे को, तो देखते हैं गाइज फटाफट आगे चलते हैं, अगर पकड़ पाते हैं तो पकड़ते हैं, क्योंकि ग्रुप में जब निकले हैं तो ग्रुप में ही चलेंगे। सो जी 15 किलोमीटर अब तक आ चुके हैं सुबह मॉर्निंग में जब से हमने स्टार्ट किया है, और कॉन्वॉय का तो पता नहीं, बट बनिहाल यहाँ से 37 किलोमीटर रह गया है। तो जी यात्रा बढ़िया चलती हुई, देख सकते हो जी, ये भी देख सकते हो जी, और फुल अंधेरा है जी जबरदस्त वाला, बोलो बम बम भोले। सो भाई अभी कॉन्वॉय की बात कर रहे थे, और ये भी कुछ एक दो गाड़ियां अपने आगे मिली हैं, और ये भी मिली जो है वो फरीदाबाद की मिल गई भाई, ये देख रहे हो
HR 87। भाई ने एकदम तेज कर दी जैसी मैंने नंबर दिखाना चाहा ना। चलो जी थोड़ा पास लेते हैं फिर दिखाते हैं। देख सकते हो जी HR 87 फरीदाबाद, तो बढ़िया जी बढ़िया। सो जी अपनी जर्नी में पहली टनल आती हुई देख सकते हो जी, जय बाबा बर्फानी। सो जी कश्मीर की वादियों में सुबह होती हुई देख सकते हो जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने। तो जी अब चल रहे हैं फिलहाल, काजीगुंड आने वाला है, यहाँ से 20-21 किलोमीटर है, तो बहुत ही बढ़िया जी देख सकते हो जी मज़ेदार। जब तक अंधेरा था ना थोड़ा सा फियर ही लग रहा था, बट अब सब ओके है। सो जी देख सकते हो श्रीनगर 89, पहलगांव 83, काजीगुंड 17, और फिलहाल बनिहाल हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट 2-3 किलोमीटर होगा हार्डली। सो देख सकते हो जी क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, ये देखो जी आ गए हम कहां, देख रहे हो, और सामने आ गया जी टोल। सो जी फिलहाल क्रॉस करते हैं इस वाले टोल को। सो जी काजीगुंड एक्सप्रेस वे में एंटर कर रहे हैं देख सकते हैं जी टनल में। सो जी देख सकते हो काफी लंबी टनल थी भाई, चिनानी वाली जो टनल थी ना उससे लगभग छोटी होगी, बट वैसे बहुत बड़ी टनल थी भाई, काजीगुंड वाली भी काफी बड़ी है। और फिलहाल एग्जिट होने वाले हैं यहाँ से, मजा आ गया भाई। सो जी राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कितनी ही लंबी लाइन है भाई ट्रकों की, अब इनको रोका गया है और इनको भी शायद या तो कुछ समय बाद इकट्ठा ग्रुप में रिलीज किया जाएगा कॉन्वॉय में। तो ये यहाँ पर इसलिए टैक्टिक्स अपनाई जाती है ताकि जो आगे जाके सिंगल रोड है वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, तो सेफ्टी पर्पस के लिए ये किया जाता है। फिलहाल देख सकते हैं जी सामने, आपने होर्डिंग पे देख ही लिया होगा जो डिस्टेंस अपडेट है। और अभी आज की ट्रिप की बात करूँ तो लगभग मॉर्निंग से अभी तक 67 किलोमीटर हमने कवर कर लिए 1 घंटा 21 मिनट में, और 13.3 का माइलेज है। वेदर यहाँ पे है 17 डिग्री, हल्की हल्की ठंडी सुबह है, मजेदार भाई। सो गाइज यहाँ से अपने को होना है राइट फॉर पहलगांव। सो भाई पहलगांव वाली रोड पर आ चुके हैं, और यहाँ से पहलगांव जो दिखा रहा है डिस्टेंस वो है जी 47 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कितनी देर में ये कवर हो पाता है, और इन केस अगर हम टाइम से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमें लगा कि हम यात्रा आज शुरू कर सकते हैं तो डेफिनेटली यात्रा आज ही शुरू करेंगे। हर हर महादेव। सो गाइस देख सकते हैं जी सामने आ गया है यात्रा बेस कैंप, नूनवान बेस कैंप, जहाँ से मेन यात्रा अपनी शुरू होती है। अभी यहाँ से राइट होना है। सो जी आप देख सकते हैं जी लेफ्ट साइड में एप्पल वैली, ये वैली ऑफ एप्पल्स, इस तरीके से बहुत सारी शॉप्स पड़ रही हैं, और ये जो शॉप्स हैं फिलहाल अभी हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से गुजर रहे हैं तो अभी क्लोज है। जैसे ही थोड़ा सा और समय बीतेगा तो यहाँ पर आकर आप पहलगाँव में फ्रेश एप्पल जूस ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, अपने साथ एप्पल भी कैरी कर सकते हैं। सो जी फिलहाल यहाँ गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, अभी कुछ आ जा रहा होगा, मूवमेंट हो रही होगी आर्मी की इसलिए। सो जी 15-20 मिनट के वेट के बाद फाइनली निकल चुके हैं, कॉन्वॉय क्रॉस हो गया था आर्मी का, और अब पहुँचने वाले हैं पहलगांव। यहाँ से 22 किलोमीटर्स दिखा रहा है नूनवान बेस कैंप, तो होपफुली अगर टाइम से पहुँच जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था कोशिश करेंगे आज ही यात्रा शुरू करने की। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं पहलगांव में, द वैली ऑफ शेफर्ड्स, बम बम भोले। सो जी नूनवान बेस कैंप पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो जी सामने, फटाफट एंट्री कराते हैं। सो जी ये था एंट्री गेट, और यहां पर आपके सारे बैग्स वगैरह स्कैन होते हैं, आपको नीचे आकर खुद ही स्कैन करवाने पड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो जी बेस कैंप नूनवान एंटर कर रहे हैं, और खुशी का ठिकाना नहीं, हर हर महादेव,
देख रहे हो जी, ये साथ में बहती हुई लिटर नदी, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत नजारा जी, बहुत बढ़िया नजारा। सो जी देख सकते हो पहलगांव की मेन रोड को क्रॉस कर रहे हैं और अभी देखना ये है कि गाड़ी कहां तक हमारी जा सकती है, चंदनवाड़ी तक जा सकती है या नहीं। सो जी फिलहाल पहलगांव के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और यहां पर मैक्सिमम आप आ सकते हैं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा परमिशन है तो आप चंदनवाड़ी गाड़ी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आपको अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी और फिर यहाँ से टैक्सी लेके जाना पड़ेगा चंदनवाड़ी। और वो सब चंदनवाड़ी का कितना किराया लगा क्या कुछ है वो बताएंगे सारा नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल के लिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पर अगर नए हो गए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल कीपिंग यू लाइक 05, आपके भाई की इंस्टा आईडी जल्दी जाके फॉलो करो, लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म सबसे पहले वहीं पर आते हैं।